तो दोस्तों जियो की तरफ से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। सुनील दत्त जो जियो के सेल्स हेड हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम काम कर रहे हैं एक बड़ी स्क्रीन वाले बजट स्मार्टफोन में और बहुत जल्द वो इंडियन मार्केट में आने वाला है। उन्होंने ये बात पर जोर दिया कि हम उन लोगों को टारगेट करने वाले हैं जो अभी तक फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। बता दें इंडिया में 500 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं जो अभी भी फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं को टारगेट करने के लिए ये बड़ी स्क्रीन का फ़ोन आने वाला है। खबरों की माने तो इस फ़ोन के अंदर 6.1 इंच की HD प्लस डिस्प्ले आपको दी जाती है, साथ ही आपको रियर में डबल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का। उसी के साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। जी हाँ, रियर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। फ्रंट की बात करूँ तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाता है जो अपर्चर 1.7 के साथ आ सकता है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर दिया जाएगा जो 3GB की रैम के साथ आने वाला है। इंटरनल स्टोरेज 64GB का रखा जाएगा। पावर देने के लिए इस फोन के अंदर आपको 4000mAh की बैटरी मिल सकती है। तो कुछ इस तरह की स्पेसिफिकेशन जियो फोन 3 की निकलकर सामने आई है। कीमत की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 हजार के बीच ये फोन आने वाला है। एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी एक्टिव है, थोड़ी सी भी तेज है, तो आप जरूर से इसका जवाब दे पाएंगे। अगर 5 अंडों को उबलने में 10 मिनट का समय लगता है तो 2 अंडे कितनी देर में उबल जाएंगे? कमेंट में इसका जवाब जरूर से दे दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक के काले बटन को नीला जरूर कीजिएगा और ऐसी न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिर आपसे मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।